ए भाई अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो देखो गाड़ी क्या आ गया। ओए होए 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 होए, यहाँ पे पराठा वराठा नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ नान चने का सिस्टम है भाई, नान चना खाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान। भाई जान रात में तो हालत खराब हुई थी, आज हमने सोचा ये था कि हम किसी तरीके से सुबह 6 बजे निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली हम फेल हो गए। इस वक्त जो है ना 8:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो है ना निकल रहे हैं कि जल्दी किसी तरीके से नदिया गली पहुंच जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। ये देखें क्या मौसम, फॉग है हल्की फुल्की, ठीक है, और ठंड जो है ना मजे वाली, बड़ी मीठी मीठी ठंड है, ठीक है। तो घर वाले सारे जो है ना सेट हो गए, सही है, गाड़ी में बैठ गए, दूसरी गाड़ी में बैठ गए। अब हम लोग जो है ना अपना सफर स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ दिन स्टार्ट करते हैं, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज भी हम गाड़ी को नाश्ता कराएंगे, बाद में अपनी करेंगे नाश्ते की फिक्र। सुभान लजी सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। आज क्या इतवार है, अच्छा तभी क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे भाई, स्ट्रीट साइड क्रिकेट। ये देखें भाई बच्चे लगे हुए, भाई एक जगह रुके हैं हम लोग नाश्ते की तलाश में, देखते हैं मोटर पे चढ़ने से पहले अगर कुछ मिल जाए खाने के लिए। मुतमईन नहीं है ये लोग, आ गए ना, थोड़ा साफ सफाई वाला मसला लग रहा है थोड़ा। वाह अब्दुल कबीर, इतने सारे कैमल्स, अब्दुल कबीर आपको चाहिए कैमल? वो देखो गाड़ी क्या आ गया। ओए होए 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 होए, रास्ता रोक दिया हमारा, रोड जाम कर दिया। अब्दुल कबीर कभी कैमल जो है ना, कैमल मिल्क भी मिलता है यहाँ से, देखो यहाँ पे पराठा वराठा नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ नान चने का सिस्टम है भाई, नान चना खाना पड़ेगा। पराठा नहीं मिलेगा यहाँ पे लड़की, यहाँ पे मिलता है, यहाँ के लोग खाते हैं नान चना पसंद करते हैं, जैसे हम लोग हलवा पूरी पसंद करते हैं ना, ऐसे नान चना मिलेगा। नान चना सही, ओके चलेगा, इधर चलेगा। ये इफ्रा आपने अपने बना दी ग्लासेस को, मोहम्मद अहमद क्या बन रहा है ये, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है ये क्या है, दाल चना बना रहे हैं। वाह भाई दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या बात है, लकड़ियों पे बनता है सारा। वाह भाई वाह, ये देखें भाई यहाँ पे जो है ना लकड़ियों के ऊपर जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी बन रही है, दाल चना बेहतरीन। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वरना हमने रेवाड़ी का हलवा जरूर लेना था, क्योंकि फैमिली तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है, लेकिन हम जो है ना वापसी में इंशाल्लाह देखेंगे हलवे का सीन अभी हम लोग बहुत जल्दी में। अच्छा यहाँ पे नान चने के साथ जो है ना पराठे का ऑप्शन भी मिल गया है, तो यहाँ का देखने पराठा कैसा है। ये देखें भाई यूके वाली जो है ना वाइब्स आ रही है, क्योंकि मौसम ठंडा है ना, मुंह से धुआं निकल रहा है। नाश्ता आ गया हमारा सही, चने के सारे में ऐसे लग रहा है सीमेंट डाल दिया, बिल्कुल इसको पक्का कर दिया है, कुछ हिल ही नहीं रहा। लेकिन जो चीज देख रही हो ना उस पे नहीं जाना चाहिए। बताएं भाई आप लोग कैसा है, सही है, ओके चले गुड है माशाल्लाह। भाई हम भी जरा ट्राई करते हैं ये चने का सालन और पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके माशाल्लाह। रात वाले रेस्टोरेंट से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोहम्मद अहमद जो है ना अबू के साथ बैठ के नाश्ता कर रहा है यहाँ पे अलग से कोने में। अबू जी आप जो है वो पराठा नहीं नान एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें घी बहुत ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है। कैसा लगा अबू जी नाश्ता आपको यहाँ का, अच्छा है ना। भाई 9:50 हो रहे हैं और अब हम जो है ना मोटरवे पे जा रहे हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं नथिया के लिए। भाई कल तो इतना एहसास नहीं हो रहा था, रात हो गई थी, लेकिन अभी आप देखें कि विजिबिलिटी जो है ना बहुत कम है, देखें आप आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा दूर का, ऐसी सिचुएशन में जो है ना बहुत एहतियात के साथ ड्राइव करनी पड़ती है। देखें अचानक अचानक जो है ना मोटरवे पे ऐसे भी पैचेस आते हैं कि बिल्कुल फॉग इतनी बढ़ जाती है कि आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब देखें सामने वाली गाड़ी मुझे नजर नहीं आ रही है भाई, अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दी है यार। अब सिलसिला ये हो गया कि खानेवाल टोल प्लाजा से जो है ना सबको यहाँ से उतार दिया मोटरवे से, बोला भाई यहाँ पे आगे फॉग है, तो अभी जो है वो मोटरवे आगे बंद है फिलहाल, तो या तो आप बाहर जाके वेट कर लें, या तो आप अल्टरनेट जो रास्ता जाता है उस रास्ते को लेके जो है ना फिर आप आगे बढ़े, तो ये जो है ना अब एक टेंशन है। वैसे तो सेफ्टी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा होता है, अभी मैंने आपको पूरी सिचुएशन दिखाई, लेकिन देखते हैं कि अब क्या सिलसिला बनता है। आप लोग देख रहे हैं सामने कितना ट्रैफिक जो है ना मोटरवे पे आने के लिए जो है ना अभी वेट कर रहा है, सही है, जब ये लोग खोलेंगे तो फिर सामने वाला सारा ट्रैफिक वापस आएगा यहाँ पे। हुए अच्छी खासी आवाम खड़ी हुई है भाई वेटिंग में यहाँ पे, तो लग रहा है खोल दिया मोटरवे, ट्रैफिक चलना स्टार्ट हो गया है। सियाल सर्विस एरिया आ गया है और यहाँ पे हम जो है ना नमाज पढ़ेंगे जोहर की, और मुंह हाथ धो के कुछ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट करके पेट्रोल वेट्रोल लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। आपका भाई सबसे पहले आ गया है फ्री होके, भाई नमाज भी पढ़ ली अलहमदुलिल्लाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्म पानी भी आ रहा था, क्योंकि मौसम जो है ना बड़ा ठंडा हुआ है यहाँ पे।
सर्विस एरिया की ये पार्किंग देख के आप लोगों को किस चीज की याद आ रही है? मुझे पता है किस चीज की याद आ रही है। नॉर्मली जब भी हम लोग ट्रिप पे होते हैं, मैं, वाइफ और बच्चे या मैं दोस्तों के साथ, तो हम लोग पूरी पूरी रात जो है ना यहीं पे गाड़ी लगा के स्टे करते हैं, आराम से सो जाते हैं और उसका एक अपना ही मजा है। लेकिन हम यंगस्टर्स तो कर सकते हैं, इस ट्रिप के अंदर हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ जो है वो बड़ी उम्र के, मतलब हमारे जाहिर सी बात है पेरेंट्स हैं, तो इनके कम्फर्ट का तो जो है ना अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो जहाँ जहाँ रुकेंगे तो होटल के अंदर ही स्टे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं वो टाइम मिस कर रहा हूँ जब हम लोग यहाँ पे रात गुजारते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, मुल्तान में रात में हम जिस होटल में रुके थे, तो मुल्तान में अगर आपका कहीं गुजरना हो या आप लोग वहाँ पे अपना होटल बुक करना चाहें तो एक आप गूगल पे सर्च करके चले जाइएगा, होटल काफ़ी सारे एक ही रोड के ऊपर काफ़ी सारे होटल आते हैं। और जब आप होटल में जाते हैं ना तो वो आपको बोलते हैं भाई 4,000-4,500 रुपये, इससे कम नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे उनको बोलें भजन 3,000 में आपने देना है या नहीं देना, तो आपको आराम से दे देंगे। हमारा एक्सपीरियंस है जब भी हम कभी मुल्तान गए ना 3,000 में हमें बेहतरीन रूम मिल जाता है। मोहम्मद अहमद आ गया मेरा बेटा, आज जो मेरा बेटा, आप फ्रेश हो गए? हो गए भाई। सरगोधा के करीब से गुजर रहे हैं और कीनू के दरख नजर आ रहे हैं। आए हाय, इस सीजन के कीनू अभी तक आपके भाई ने नहीं खाए और मैं इंशाल्लाह नियत की है कि जाके सरगोधा में ही खाएगा इंशाल्लाह आपका भाई। जिस सर्विस एरिया का हमें बहुत इंतजार था, भेरा सर्विस एरिया, वो मुझे मजबूरन छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये देखें, KFC, मैकडोनल्ड, हार्डी सब छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुक गया ना तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा हमारा। और हमारा टारगेट ये है, आप लोगों को मालूम है ना, कि टाइम पे पहुंच जाना थी अगली। मंजर चेक करें आप लोग, माशाल्लाह। ये कलर कहार का एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, इतना खूबसूरत इलाका आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है 40 की फॉर आर ओन सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ा स्लिपरी भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे याद है एक बार मैं आमिर के साथ आ रहा था तो मेरा एक बार चालान भी हो चुका है। मैं खुद बेदयानी के अंदर जो है ना दोस्तों से बातचीत करते हुए चला रहा था और 80 की स्पीड पे थे हम लोग और आगे जो है ना कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने रोक लिया था और चालान पकड़ा दिया था 700 रुपए का। खैर, चालान का तो इतना वो नहीं होता लेकिन सेफ्टी जरूरी है। फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं 3:50 पे। आज जो है ना हमने सफर बड़ा स्पीड में गुजारा, कल हमने बहुत टाइम जाया किया था लेकिन आज बड़ा टाइमली पहुंचे भाई। असर की नमाज के लिए हम लोग रुके हैं इस वक्त, श्रीनगर हाईवे पे हैं, ठीक है। और देखें यार, पब्लिक टॉयलेट्स भी बने हुए यहाँ पे, वजू करने की जगह भी बनी हुई है और कितना प्यारा यार, मतलब आप मंजर है चेक करें, ठंडी ठंडी हवा है, यहाँ पे जानमाज है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ब्यूटीफुल माशाल्लाह भाई। अब प्लान थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लिया हमने, वो क्या है, बाराकहू के पास से हम लोग गुजर रहे थे तो यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई मतलब जो है ना रोड पे तामीराती काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो हमने बोला कि यार अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे असल सीनरी तो जो है ना इंजॉय नहीं कर सकेंगे अंधेरे में, तो फायदा क्या वहां पे अगर पहुंच भी गए। तो हमने ये सोचा कि हमने बोला प्लान चेंज करते हैं, मलंग जान का पुलाव तो इन लोगों ने खाया ही नहीं घर वालों ने, तो हम इनको जो है ना मलंग जान का पुलाव खिलाने ले जाते हैं और आज रात इस्लामाबाद में ही स्टे कर लेते हैं ताकि कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और अच्छे से पूरा व्यू भी जो है ना घर वाले एंजॉय कर सकेंगे इंशाल्लाह। पहुंच गए भाई हम लोग मलंग जान बीफ पुलाव, बन्नू पुलाव खाने के लिए। हॉल है भाई यहाँ पे, फुल माहौल बना हुआ है। अच्छा, मैंने जो है ना जब भी खाया है ना, मैंने दोपहर के टाइम पे खाया है, रात के टाइम पे कभी भी नहीं आया हूँ, आज फर्स्ट टाइम रात के टाइम पे आया भाई। यहाँ पे जो है ना पर्दा हटाया हमने और यहाँ पे फुल सेटअप बना हुआ है, देखे आये हाय हाय फ्रा। चले भाई, दस्तरखान पे कौन घूम रहा है भाई? मोहम्मद अहमद, कहाँ जा रहे हो आप? ओए होए, आ गया भाई अपना पुलाव, ये चेक करें गर्मा गर्म रोटी। ये 2 किलो हमने मंगवाया इनिशियली, सही है, और फिर गर्म आता रहेगा अगर और चाहिए कुछ। साफ साफ बोटियाँ देखें आप, और ये जो है ना 1.5 किलो चपली कबाब। ओहो, अब जो है ना आप लोग इंजॉय करें, ऐसा पूरे रास्ते में नहीं खाया होगा आप लोगों ने खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो बहुत ही आला किस्म का भाई पुलाव है, कैसा लगा भाई आप लोगों को? बेहतरीन है, बेहतरीन बेहतरीन। इसी खाने की जो है ना बहुत कमी महसूस होती है जब आप मोटरवे का सफर करते हैं ना, वहाँ पे तो आपको ज्यादातर बर्गर शर्गर ही मिलता है, ये आ गई चपली कबाब। एंड हो गया, एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा मेरा बच्चा चपली कबाब, कैसी है? भाई खाना खा लिया ना, अब दिल ही नहीं कर रहा ड्राइव करने का, यकीन करें दिल कर रहा है यहीं पे। देखे फुल माहौल बना हुआ, ये देखे तकिए शकिए लगे हुए, दिल कर रहा है यहीं पे सो जाए। क्या कहती है विप्रा, यहीं पे आराम करें हैं? अब तो कोई सो जाए, अल्लाह करे होटल जो है ना कहीं करीब में मिल जाए, क्योंकि ये पुलाव खाने के लिए हम बाराकहू से आए हैं। तकरीबन हमने जो है ना 40-45 मिनट ड्राइव की। सर्दी सर्दी भाई, गाड़ी में आ गए हैं, दिल तो कर रहा है गाड़ी में सो जाऊं लेकिन अभी होटल ढूंढना है हमको।
होटल जाने से पहले अबू ने बोला कि भाई क्यों ना कीनू ट्राई करते हैं, यहाँ पे अबू का बड़ा दिल कर रहा है। अबू ये कीनू नहीं लग रहे मुझे, ये फ्रूटर लग रहे मेरे ख्याल से। हाँ ये कीनू है, ये कीनू। हाय हाय हाय, आपके भाई ने सोचा था कि कीनू के बागात में जा गई पहले कीनू की जो है ना ओपनिंग करेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है अब्बू के साथ करनी पड़ेगी ओपनिंग। कितने दर्जन है? 240 रुपए दर्जन चल रहा है यहाँ पे। अरे भाई अनार का दाना तो चेक करें जरा। ओए होए होए, ये तो जंबो साइज का अनार है भाई, बेहतरीन। ये देख रहे हैं आप लोग साइज। अल्हम्दुलिल्लाह हमें होटल मिल गया। बिल्कुल, ये देखें मेरे बैक साइड पे मलंग जान रेस्टोरेंट है और ये ली मेरिडियन के नाम से होटल है। 4,000 रुपए इन्होंने जो है ना एक मास्टर बेड का बोला, लेकिन 3,500 रुपए पे आ गए। हमने बोला नहीं भाईजान 3,500 रुपए ये वहाँ पे और तो हम देंगे नहीं आपको, तो 3,500 रुपए का सीन हो गया। बस फैमिली अंदर गई है, हम सेटल डाउन होते हैं आराम से, इसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये है भाई होटल की लॉबी, 3rd फ्लोर पे जो है ना हमारा रूम है। रूम नहीं है एक्चुअली, फ्लैट है। यहाँ पे जो है ना फ्लैट का जिस तरह दुबई वगैरह में होता है ना अपार्टमेंट का जो सीन होता है, इसी तरह का यहाँ पे भी सीन है। सही है। अब ये देखें हीटर गीजर वीजर सब लगा हुआ है रूम्स के बाहर। अच्छा साफ सुथरा सेटअप है। 3,500 रुपए में जो है ना मतलब बेहतरीन है, बेहतरीन जबरदस्त। तो हमने भी जो है वो एक फ्लैट लिया, बल्कि 2 फ्लैट लिए। सही है, जिसके अंदर 4 रूम है। और ये देखें एक एक फ्लैट के अंदर मैं गया तो यहाँ पे जो है ना एक बच्ची घूम रही है और हम जो है ना यहाँ जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हम अपने फ्लैट में चले जाते हैं। हमारा है भाई 301। ये देखें जैसे ही इस फ्लैट के अंदर एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे एक समझ लें आप एक लाउंज टाइप का एरिया बना हुआ है, टीवी शीवी है, सीन है। ठीक है, और यहाँ पे हम आ गए तो ये पहला रूम है। सही है, यहाँ पे इन्होंने एक मैट्रेस भी लगा दिए और यहाँ पे वॉशरूम है। अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम है। और दूसरे रूम के अंदर मैं आ जाऊँ तो ये भाई दूसरा रूम है। ठीक है, मास्टर बेड है विच इज़ गुड इनफ फॉर माई फैमिली, दो बच्चे मैं और वाइफ आ जाएंगे आराम से। सही है, तो मैट्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वॉशरूम देख लें, बिल्कुल VIP। सही है, बड़ा बेहतरीन। ओहो हो ज़बरदस्त भाई, सब छोड़ें अब जो है ना सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना आपके भाई की वो किस में है? कीनू में। अच्छा आपने निपटा दिया आपने, अकेले निपटा दिया। आ करो। अच्छा चले भाई, अम्मी ने जो है ना मेरे लिए भी छीन लिया। आए हाय 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 हाय, ओहो हो। मुझे जो है ना कीनू अगर खट्टा होना, फुल खट्टा होना तो मजा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। VIP खट्टा कीनू है भाई। ओहो मजा आ गया भाई। रात के 11 बज गए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था लाउंज में और वीडियो एडिट कर रहा था अपनी, ब्लॉग मैंने पूरा एडिट कर दिया है, लेकिन साथ साथ अब मैं फील कर रहा हूँ कि सब सन्नाटा हो गया। ऐसे मतलब घर में सब सो चुके हैं। सर रूम में जाकर देखते हैं कि क्या सिलसिला है। बच्चे सो गए मुझे लग रहा है। अरे वाह माशाल्लाह, तभी बोलूं इतना सुकून कैसे, दोनों भाई सो गए हैं और साथ में बेगम भी सो गई हैं। नहीं सोई मैं। अच्छा जाग रही हैं आप। चले नीचे गाड़ी में जाना है सामान निकालने के लिए। चले आ जाए जी। सीट टाइट वाली कोई मतलब समझ लें कि बर्फ वाली जमीन हुई हुई। ओए होए होए, बर्फ बनी हुई जमीन, बर्फ। भाई हम लोग नीचे नहीं जा सकते, हम लोग एक तरीके से फंस गए क्योंकि अब अबू भी सो गए हैं, बहन भी सो गई हैं, अम्मी भी सो गई हैं। तो अब जो है ना बच्चों को अकेला रूम में, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो है मतलब एक अनजान जगह के ऊपर जो है ना बच्चों को अकेला रूम में छोड़ के मुनासिब नहीं लगा ऐसी बेगम। तो हम जो है ना कुछ सामान लेना तो था गाड़ी में से, लेकिन सोच रहे हैं कि अब वो सुबह ही ले लेंगे, तभी जो है ना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि दिल मान नहीं रहा ना बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएँ। अबू जाग रहे होते ना तो अबू को दे देते हैं, बच्चों को या बहन को दे देते हैं। तो अब जो है ना बस नमाज़ पढ़ता हूँ इशा की और सोने वाली करता हूँ। ठीक है, ऐसे सन्नाटे में अंधेरे में जो है ना बच्चों को वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह न करे अगर बच्चे की आँख भी खुल गई ना तो बच्चा बेचारा डर जाएगा या इधर उधर भागेगा या कुछ भी होगा, तो ये फिर हम 2 मिनट के लिए भी नीचे जाएंगे ना तो परेशान ही रहेंगे। तो भाई एनीवेज वीडियो आज की एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी कल के दिन में असल मायनों में हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा कि हम लोग किसी खूबसूरत जगह पे जो है वो दिन गुजारेंगे आप लोगों के साथ। और बस अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि यार कोई अच्छा सा होटल, कोई अच्छे से व्यू वाला होटल मिले जहाँ पे हम जो है ना फैमिली टाइम भी अच्छा गुजार सकें और आप लोगों को भी जो है ना सही VIP नज़ारे करा सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।